पाकिस्तान के पेशावर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक मदरसे के पास बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये मदरसा दीर कॉलोनी में स्थित है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 70 से अधिक बच्चे घायल हैं। मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अभी धमाके के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। हालांकि मौके पर पहुंचे अफसर मामले की छानबीन कर रहे हैं। सभी घायलों को LR हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसके साथ ही अस्पताल की ओर से इमरजेंसी की घोषणा की गई है, यानी सभी मेडिकल स्टाफ को हॉस्पिटल में बुला लिया गया है। फिलहाल धमाके के कारणों की जांच की जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के एक प्रवक्ता मोहम्मद असीम ने बताया कि 7 शवों और 70 घायलों को अस्पताल लाया गया, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस चीफ डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और SSP मंसूर अमन ने धमाके की पुष्टि की है। धमाका उस वक्त हुआ जब मदरसे में पढ़ाई चल रही थी। इस धमाके से आसपास इलाकों में अफरा तफरी मच गई है और लोगों में दहशत का माहौल है। इससे पहले पाकिस्तान के कराची शहर की एक बिल्डिंग में 21 अक्टूबर को एक भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और 15 लोग बुरी तरह से घायल थे। बता दें कि कराची के गुलशन ए इकबाल इलाके की इमारत में हुए इस धमाके की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा पूरी तरह से ढह गया था। घायलों को पास के स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।